नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स किडनी डैमेज का चौथा मुख्य कारण है और बहुत ही कॉमन कॉज है किडनी प्रॉब्लम्स का। तो अगर हम नॉर्दर्न एरिया ऑफ द कंट्री देखें तो इसे स्टोन बेल्ट भी बोला जाता है, यानी यहाँ पे स्टोन्स की प्रेवलेंस बहुत है। तो इसके कई कारण होते हैं। एक तो हम गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उसमें हम पानी कम पीते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेज भी हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन हुआ है और आप किसी सर्जन के पास किडनी का स्टोन निकालने जाते हैं तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट इज़ इनफैक्ट द बिगिनिंग ऑफ प्रिवेंटिंग किडनी डिजीज़। क्योंकि अगर हम स्टोन का कारण ढूंढेंगे नहीं तो ये स्टोन्स दोबारा आएंगे, दोबारा इन्फेक्शन होंगे और आपको किडनी डैमेज होगी। तो एक कंप्लीट किडनी वर्कअप होना चाहिए, खासकर जिन लोगों में दोबारा स्टोन्स बन रहे हैं, बच्चों में या जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स है। तो 10 लोगों में अगर हम ये टेस्ट करें तो 5 में हमें कोई ना कोई अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कॉज मिल जाता है। तो अपने डॉक्टर से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उससे सवाल पूछें कि मुझे किडनी का स्टोन क्यों बन रहा है, क्योंकि जो सर्जन होता है उसका फोकस केवल किडनी स्टोन निकालने पर ही रहता है। तो एक तो होता है किडनी स्टोन वर्कअप होना चाहिए। सेकंड, बड़ी सारी ऐसी डाइट मॉडिफिकेशंस हमें करनी पड़ती हैं और एक तो कॉमन डाइट मॉडिफिकेशन होती है नमक को कम लेना, क्योंकि जो मर्जी टाइप ऑफ किडनी स्टोन हो उस नमक उसका कॉमन डिनोमिनेटर है। हाई सॉल्ट डाइट एंड लेस फ्लूइड इनटेक आर कॉमन फैक्टर्स इन ऑल काइंड ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मेटाबॉलिक वर्कअप में क्या खराबी आई। जैसे अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, कैल्शियम लीकेज हो रहा है तो उसके लिए मेडिकेशन होगी। अगर यूरिक एसिड स्टोन है तो आपका प्रोटीन इनटेक कम हमें करना पड़ेगा। और कुछ और डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो यू कैन प्रेफर वॉलनट्स एंड आलमंड्स।